तो आज आप सभी ने सुना ही होगा कि इंडिया का नाम बदल के भारत रखा जा रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या मजाक चल रहा है, इंडिया भारत एक ही तो है। पर ऐसा नहीं है, जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्हें भारत बोलने में तकलीफ होती थी, जिसके लिए उन्होंने इंडिया नाम रख दिया। हमारे देश का नाम इंडिया कभी था ही नहीं, वो तो अंग्रेजों द्वारा दिया गया एक नाम था। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंडिया नाम कैसे पड़ा और इसके पीछे का इतिहास क्या है। तो मैं बता दूं, जब तुर्की और ईरानी लोग हमारे यहाँ आए तो वो सिंधु घाटी के मार्ग से आए थे, जिसकी वजह से वो श शब्द का उच्चारण ह शब्द में करते थे, जिसकी वजह से सिंधु का हिंदू हो गया और तब से यहाँ के लोगों को हिंदू बोलने लगा और इस पूरे देश को हिंदुस्तान बोले जाने लगा। और उसके बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने सिंधु नदी को इंडस वैली कहा, जिसकी वजह से इंडिया नाम रखा गया। इसी तरह भारत का नाम हिंदुस्तान से इंडिया पड़ गया। ऐसे धीरे धीरे करके जैसे जैसे लोग आए, लोगों ने अपने हिसाब से इंडिया का नाम रखा। नॉर्मल सी बात है कि जब भी कोई देश गुलाम बनेगा तो सबसे पहले उसके कल्चर और उसके नाम को बदला जाता है कि लोग वहां की पहचान भूल जाए अपनी। उसी तरह यह काम भी हुआ, जब तुर्की आए तो उन्होंने अपने हिसाब से हिंदुस्तान नाम दे दिया, अंग्रेज आए तो उन्होंने इंडिया नाम दे दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि 77 साल आजादी के होने के बाद भी हम इंडिया का नाम अपने साथ लेकर चल रहे थे, जबकि इंडिया शब्द का कोई मतलब भी नहीं बनता। हमारा जो पुराना नाम था भारत, उसका मतलब था ऐसा देश जहां के निवासी ज्ञान की खोज में लगे हुए होते हैं। और इस देश का नाम भारत कहां से पड़ा, चलिए जानते हैं। कहा जाता है कि ऋषभ देव ने जब वनवास लिए तो उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र भरत को उत्तराधिकारी सौंप दिया, और कहा जाता है कि भरत के नाम पर ही देश का नाम भारत पड़ा। और वहीं ये भी कहा जाता है कि महाभारत काल में शकुंतला और हस्तिनापुर के महाराज दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत था और उनके नाम पर देश का नाम भारत रखा गया। ऐसी कई मान्यताएं हैं, लेकिन हमारे विष्णु पुराण में हमारे देश का नाम भारत कहा गया है, तो हमारे देश का नाम भारत ही होना चाहिए। अंग्रेजों द्वारा हमारे कल्चर को छेड़ा गया था, हमारा नाम बदला गया था, भारत से इंडिया कर दिया गया था, लेकिन आजादी के 77 साल बाद भी हमने उस नाम को अपने सीने से लगा के रखा है। आप ही सोचिए कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो गुलाम बनाए गए लोगों द्वारा दिए गए नाम लेकर अभी तक जी रहा है। आपको अपने नाम से ना बुलाकर किसी और के दिए हुए नाम से अगर बुलाया जाए तो कैसा लगेगा। लेकिन आज इतने सालों बाद उस चीज को चेंज किया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छा है। लेकिन G20 की बैठक में सारे इनविटेशन कार्ड के ऊपर इंडिया के बदले भारत लिखा गया था, जिससे भारत ने साफ कर दिया कि भारत की पहचान उसके खुद के नाम से होगी। और वहीं ऑपोजिशन, जिसका काम ही होता है हर बार सरकार के फैसलों पे उंगली उठाना, उनका कहना है कि सरकार उनके महागठबंधन, जिसका नाम उन्होंने इंडिया रखा है, उससे घबरा गई है, जिसकी वजह से बीजेपी वाले देश का नाम भारत कर रहे हैं। लेकिन ऑपोजिशन में ऐसे नेता भी है जिन्होंने अपने स्टेट के अंदर कई नामों को चेंज किया है। बात करूं कांग्रेस की, तो कुछ साल पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो वो इंडिया को भारत मानते हैं, इसका मतलब तो उन्हें भारत नाम से इतना प्रॉब्लम क्या है। और 2012 में कांग्रेस के एक नेता ही नहीं, एक ऐसा बिल लाने की बात थी जिसके अंदर वो इंडिया का नाम भारत रखना चाहते थे। और इंडिया का नाम भारत करने के लिए बहुत साल से बहुत लोग बोल रहे थे, और दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पॉपुलर स्पिरिचुअल लीडर सदगुरु जी ने भी कहा था कि इंडिया का नाम भारत कर दिया जाए। बीजेपी के सांसद हरिनाथ सिंह यादव और नरेश बंसल ने भी इंडिया को भारत करने की बात पर समर्थन दिया। और वहीं 2014 में योगी आदित्यनाथ ने एक प्राइवेट मेंबर बिल लाकर इंडिया का नाम भारत करने की बात की थी। और साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर की याचिका जारी की गई थी, जिसके अंदर कहा गया था कि इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है, इसे हटा देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का हवाला देकर इस चीज को खारिज कर दिया। ये बात सच है कि नाम बदलने को लेकर देश के अंदर बहुत पॉलिटिक्स हो रहा है, लेकिन वहीं आप देखोगे तो मोदी जी के राज में बहुत चीजों के नाम बदले गए, जो बहुत सही भी था। अंग्रेजों के दिए हुए नाम को चेंज किया गया, जैसे कि बॉम्बे को मुंबई वापस कर दिया गया, बैंगलोर को बेंगलुरु कर दिया गया। जब स्टेट्स के नाम बदले जा सकते हैं तो देश का नाम क्यों नहीं बदला जाए जो दूसरे का दिया हुआ है। अगर मैं पॉलिटिशियन लोग की बात ना करूं तो इंडिया से भारत करने को लेकर बहुत लोगों ने इसका समर्थन किया, जैसे कि अमिताभ बच्चन ने इसका समर्थन किया, वीरेंद्र सहवाग ने इसका समर्थन किया, सौरभ गांगुली ने इसका समर्थन किया, और आम आदमी इसका खुल के समर्थन करेगा कि जो हमारे पुराणों में हमारे देश का नाम था वही हमारे देश का नाम रहे। और मैं तो यही चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके देश का नाम इंडिया से भारत कर दिया जाए। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो इस पे नहीं थी कि इंडिया भारत क्या है, भारत इंडिया क्या है। आज की मेरी वीडियो इस पे थी कि हमारा नाम क्या है और हमारा नाम क्या होना चाहिए, इंडिया या भारत। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर बतानी है, और चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर देना।